नमस्ते दोस्तों, कभी सोचा है कि जब कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है तब आपकी गाड़ी के अंदर क्या होता है? तो आज हम एयरबैग्स की दुनिया में गोता लगा रहे हैं कि कैसे ये कमाल के सेफ्टी डिवाइसेस आपको क्रैश के दौरान बचाते हैं। चलो शुरू करते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, अपने मनपसंद गाने का मजा ले रहे हैं, तभी अचानक धड़ाम, एक अनहोनी टक्कर। उस एक पल में आपकी गाड़ी के अंदर कुछ गजब होता है। इस जान बचाने वाली टेक्नोलॉजी का दिल एयरबैग। तो ये एयरबैग्स काम कैसे करते हैं? ये सब आपकी गाड़ी में लगे सेंसर से शुरू होता है। ये सेंसर गाड़ी की चौकन्नी आंखों की तरह होते हैं, जो लगातार तेजी से गाड़ी के धीमे होने का पता लगाते रहते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ हो। जब इन्हें कोई क्रैश पता चलता है तो ये तुरंत एक सिग्नल भेजते हैं। ये सिग्नल मिलते ही एयरबैग सिस्टम काम पर लग जाता है। इन्फ्लेटर नाम के एक छोटे से डिवाइस में एक केमिकल रिएक्शन होता है। ये डिवाइस स्टीयरिंग व्हील या डैशबोर्ड के अंदर होता है। इस रिएक्शन से एक गैस बनती है जो एयरबैग को खुला देती है। ये सब पलक झपकते ही हो जाता है। फ्लैट से पूरी तरह फूलने में लगभग 25 मिलीसेकंड लगते हैं। ये आपकी उंगलियां चटकाने से भी तेज है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब इतनी आसानी से कैसे हो जाता है। ये इंजीनियरिंग की चमत्कार और कड़ी टेस्टिंग का मिश्रण है। इंजीनियर क्रैश डमीज का इस्तेमाल करते हैं और कई तरह के एक्सीडेंट्स बनाकर सेंसर्स की संवेदनशीलता और टाइमिंग और इन्फ्लेशन प्रक्रिया को बेहतर बनाते हैं। ये सावधानी से की गई डिजाइन प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि एयरबैग न सिर्फ तेजी से बल्कि सुरक्षित तरीके से भी खुले। लेकिन एयरबैग का आइडिया कहाँ से आया? ये थोड़ा इतिहास और इनोवेशन का मिश्रण है। इसकी अवधारणा 1950 के दशक की है और दशकों से ये एक नए विचार से दुनिया भर की गाड़ियों का जरूरी सेफ्टी फीचर बन गया है। ये टेक्नोलॉजी और जरूरत के मिलने का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसने कार सेफ्टी के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदल दिया। अगली बार जब आप अपनी गाड़ी में बैठें, तो याद रखें, मिलीसेकंड में आपको बचाने के लिए एक पूरा सिस्टम डिजाइन किया गया है, जो बस सतह के नीचे छिपा हुआ है। एयरबैग।